हमीरपुर सीनियर सेकेंडरी बाल स्कूल ने शिक्षा क्षेत्र में अपना अलग मुकाम हासिल किया है और स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ध्यान दिया जाता है। स्कूल प्रिंसिपल मंजू ठाकुर ने अभिभावकों से आह्वान किया है कि बाल स्कूल में अपने बच्चों को एडमिशन करवाएं ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल बन सके। प्रिंसिपल मंजू ठाकुर ने अभिभावकों से अनुरोध किया कि सरकारी स्कूल में बच्चों को एडमिशन करवाएं क्योंकि स्कूल में बच्चों का चहुंमुखी विकास करवाया जाता है। उन्होंने बताया कि स्कूल में स्मार्ट क्लासेस के अलावा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर बल दिया जाता है। उन्होंने कहा कि बच्चों को बढ़िया लाइब्रेरी की सुविधा स्कूल में उपलब्ध है तो बढ़िया खेल मैदान का भी प्रावधान है। मंजू ठाकुर ने बताया कि बच्चों के लिए NCC NSS यूनिट के साथ स्काउट गाइड में भी हिस्सा लेने के लिए स्कूल में सुविधा है। उन्होंने कहा कि स्कूल में बच्चों को सारी सुविधाएं मुहैया करवाई जाती हैं। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ने BJP प्रत्याशी अनुराग ठाकुर पर हमला बोलते हुए कहा कि अनुराग ठाकुर अपनी सांसद निधि भी खर्च नहीं कर पाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अनुराग ठाकुर केवल मात्र क्रिकेट ही खेलते रहे हैं और संसदीय क्षेत्र में नहीं जाते थे। वहीं गोद लिए गए गाँवों की हालत भी दयनीय बनी हुई है और कई गाँवों में जाकर उन्होंने सुध भी नहीं ली है। JP नड्डा की बिलासपुर में प्रचार के लिए नहीं आने पर रामलाल ठाकुर ने कहा कि ये BJP का आंतरिक मामला है और इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि BJP में क्या हो रहा है इसका जवाब CM दे या फिर प्रदेशाध्यक्ष या फिर प्रेम कुमार धूमल दे, इस पर कांग्रेस कोई बात नहीं करना चाहती है। रामलाल ठाकुर ने कहा कि अनुराग ठाकुर को इस बार चुनाव अपने बलबूते पर लड़ना है और पिछले चुनाव में अनुराग ठाकुर को अपने पिता धूमल के CM रहते कोई परेशानी नहीं हुई थी, लेकिन इस बार चुनाव का पता अनुराग को चलेगा। उन्होंने कहा कि 25 अप्रैल को हमीरपुर में नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा और इसके बाद गांधी चौक पर विशाल रैली भी आयोजित की जाएगी जिसमें प्रदेश के अलावा केंद्र के सीनियर लीडर भी हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को भाषा पर निषेध देते हुए हिमाचल के BJP अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने मंच से अभद्र भाषा के इस्तेमाल किए जाने पर प्रदेश कांग्रेस ने कड़ा एतराज जताया है। हमीरपुर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने BJP अध्यक्ष सत्ती को खरी खोटी सुनाते हुए सीमा में रहकर बयानबाजी करने की नसीहत दी है और निम्न स्तर की भाषा का प्रयोग न करने की भी सलाह दी है। हमीरपुर में कुलदीप राठौर ने सत्ती के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस में इस तरह की निम्न स्तर की भाषा का प्रयोग कोई नहीं करता है और देश की संस्कृति की बात करने वाले लोग खुद हार से बौखलाकर इस तरह की निम्न स्तर की बयानबाजी कर रहे हैं जो कि बेहद ही निंदनीय है। उन्होंने कहा कि BJP के नेता कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को भी बयानबाजी में नहीं छोड़ रहे हैं जो कि ठीक बात नहीं है। राठौर ने कहा कि BJP की अभद्र भाषा से लोगों का सिर झुक रहा है और देश की संस्कृति की बात करने वाले खुद सुसंस्कृत नहीं है। उन्होंने PM मोदी पर अशोभनीय भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया और कहा कि बाकी नेता मोदी का अनुसरण कर अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। लोकतंत्र में भाषा की मर्यादा के अनुसार काम करना चाहिए। हमीरपुर पहुंचे पूर्व CM वीरभद्र सिंह ने हमीरपुर में दावा किया है कि प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों पर फतेह हासिल की जाएगी। पत्रकारों से बातचीत में वीरभद्र सिंह ने कहा कि मंडी सीट ही नहीं अपितु बाकी तीनों सीटों पर भी कांग्रेस जीत हासिल करेगी। हमीरपुर पहुंचे पूर्व CM वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश की चारों सीटों पर फतेह हासिल करेंगे, लेकिन संघर्ष है मगर हर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस बढ़िया काम करेगी और जीत हासिल करेगी।
वहीं वीरभद्र सिंह ने मंडी सीट पर आश्रय शर्मा के टिकट दिए जाने पर कहा कि अभी मंडी का दौरा करूंगा तभी कुछ कह पाऊंगा। तो हमीरपुर सीट के लिए अभिषेक राणा को टिकट न मिलने पर कहा कि अभिषेक राणा भी हमारे ही साथ है। बीजेपी के गढ़ हमीरपुर में सेंध लगाने के लिए प्रदेश कांग्रेस पूरी तरह से आतुर है और कांग्रेस उम्मीदवार रामलाल ठाकुर को जीत दिलाने के लिए एकजुटता से काम करने में जुट गई है। इसी कड़ी में हमीरपुर बाईपास के पास निजी होटल में हमीरपुर संसदीय के प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर, पूर्व अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रदेश सह प्रभारी गुरकीत सिंह कोटली एवं वरिष्ठ नेता अनिल वर्मा, प्रेम कौशल के अलावा संसदीय क्षेत्र के विधायक एवं पूर्व विधायक भी मौजूद रहे। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने मंडी सीट को लेकर कहा कि दादा पोता जब कांग्रेस में है तो अनिल शर्मा ने इस्तीफा तो देना ही था, लेकिन इसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर एक्शन नहीं ले सके और मुख्यमंत्री में राजनीतिक इच्छा शक्ति होती तो वे दम दिखाते, क्योंकि इन तिलों में तेल नहीं है। वहीं रही अनिल शर्मा के प्रचार की बात, तो अनिल शर्मा बीजेपी के सामने ही कांग्रेस का प्रचार करेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार की तानाशाही नहीं है कि अनिल शर्मा की विधानसभा से सदस्यता को खारिज कर दे।